भारत देश पर्वों का देश माना जाता है। इन पर्व में सावन में पड़ने वाली नाग पंचमी का त्योहार, जिसमें कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान नाग को दूध पिलाने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव प्रसन्न होकर मनचाहा फल भी देते हैं। वहीं नाग पंचमी को कल शर्प दोष पूजा व रुद्राभिषेक करने के लिए मंदिरों में भक्त उमड़ पड़े। वहीं गायघाट स्थित शिव मंदिर के पुजारी पंडित जगत पांडे ने बताया कि नाग पंचमी का त्योहार शुक्ल पक्ष के श्रवण मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन यह मान्यता है कि सर्प को दूध पिलाकर भगवान भोलेनाथ को खुश कर हर मुराद पूरी कराने में लाभकारी है। वहीं नाग पंचमी के दिन कल सर्प दोष व रुद्राभिषेक करना जातक के लिए लाभकारी माना जाता है। इस नाग पंचमी का सावन के सोमवार में पड़ना कई वर्षों के बाद देखने को मिला है। यह नाग पंचमी जो है कि शुक्ल पक्ष में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये नाग पंचमी जो है इतना उत्तम त्यौहार माना जाता है कि इसमें काल सर्प दोष का पूजन, पितृदोष का पूजन वगैरह जो भी कुंडलियों का दोष होता है इसके लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन रुद्राभिषेक कराना बहुत ही पुण्य का कार्य है और मंदिरों में भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। सुबह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे सुबह से भक्त आ रहे हैं लगातार और पूजा पाठ कर रहे हैं।